गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट पावर. वी आर गोइंग टू स्टार्ट पावर. हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पावर. व्हाट इज़ पावर? पावर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. व्हाट इज़ पावर? पावर 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 किसको बोलता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल पावर. रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल पावर या वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल पावर. रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल पावर. पावर एक होता है एवरेज पावर. एवरेज या आर लिख दे रहे हैं, आर वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम. वर्क वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इज कॉल्ड पावर. एवरेज पावर, एवरेज पावर देखो क्या होता है. एवरेज पावर एवरेज पावर एवरेज पावर एवरेज पावर टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम. एवरेज पावर है ना टोटल वर्क डन. टोटल वर्क डन बाई टोटल टाइम. चलो टोटल टाइम, टोटल टाइम अगर मान लो टोटल वर्क डन कितना, डेल्टा डब्लू. ये हो गया डेल्टा डब्लू और ये होगा डेल्टा टी. ये हो जाएगा पी एवरेज. पी एवरेज एवरेज पावर इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा डब्लू बाई हो जाएगा डेल्टा टी. डेल्टा डब्लू बाई डेल्टा टी. इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस पावर पावर एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. पावर पावर एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम. एट ए इंस्टेंट instant of time. तो since P average equal to होता है डेल्टा W by कितना होता है डेल्टा T. if डेल्टा T tending to zero, डेल्टा T tending to zero, then डेल्टा T tending to zero तो ये हो जाएगा P instantaneous. ये हो जाएगा limit, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो. ये हो जाएगा डेल्टा डब्लू बाई हो जाएगा डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा डी डब्लू, डी डब्लू बाई डी टी. तो पावर का फार्मूला आ गया पी इक्वल टू, पी इक्वल टू हो जाएगा डी डब्लू बाई डी टी, डी डब्लू बाई डी टी, डी डब्लू बाई डी टी, डी डब्लू बाई डी टी. ये हो गया इंस्टेंटेनियस पावर. पावर क्या होगा? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल पावर. मतलब जो रेट वर्क डन यानी वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल पावर. इट इज डिनोटेड बाय पी. पी से लिखते हैं, लिख दे रहे हैं. इट इज डिनोटेड बाय पी. इट इज डिनोटेड डिनोटेड बाय पी. इट इज डिनोटेड बाय पी. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी पावर क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है. पावर की पावर क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी. तो ये हो गया पावर. और पावर का फार्मूला कितना आ गया? जब पावर का फार्मूला हो जाएगा डी डब्लू बाई डी टी, डी डब्लू बाई डी टी. ये इंस्टेंटेनियस पावर. अगर एवरेज पावर निकालेंगे, पी एवरेज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा डब्लू बाई हो जाएगा डेल्टा टी.
ये जाएगा डेल्टा टी, और पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या हो गया, देखो सिंस पी इक्वल टू कितना है, मान लो ये डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू बाई मान लो टी हो गया, तो डब्ल्यू की यूनिट क्या होती है जूल, तो ये हो गया जूल, टाइम को होती है सेकेंड, तो ये हो जाएगी एसआई यूनिट, हो जाएगी जूल, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, या इसी को बोलते हैं वाट, आर वाट इसको बोलते हैं, ये हो गया वाट, जूल पर सेकेंड या वाट, और इसे बड़ी यूनिट होती है क्या, किलो वाट, वन किलो वाट, वन किलो वाट इक्वल टू होता है 1000 वाट, 1000 वाट, या इसी को लिखते हैं 10^3 वाट, और 1 मेगावाट ये हो जाएगा 10^6 वाट, ये होगा 10^6 वाट, 1/2 पावर, 1/2 पावर इक्वल टू होता है 746 वाट, 746 वाट हो जाएगा। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, आर वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड पावर, पावर इट इज डिनोटेड बाय पी, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, एवरेज पावर टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी, पी एवरेज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस पावर, पावर एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब किसी टाइम पे अगर हमको पावर निकालना है, पावर एट इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये अगर पी एवरेज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, इफ डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, देन पी इक्वल टू लिमिट एल आई एम डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, पी इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, एसआई यूनिट पावर के, पी इक्वल टू द डब्ल्यू बाई टी, एसआई यूनिट क्या होता है जूल पर सेकेंड आर वाट, 1 किलो वाट इक्वल टू हो जाएगा 1000 वाट इंटू 1000 वाट इक्वल टू 10^3 वाट, 1 मेगावाट कैपिटल एम रहेगा, 10^6 वाट, 1 HP हार्स पावर इसको बोलते हैं 746 वाट।